नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज थर्सडे है और जैसा कि आप जानते हैं कि आज BSc फाइनल ईयर के लिए हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिस टॉपिक के साथ हम कल बात कर रहे थे। आई होप कि कल वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम कल जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, एक बार मैं जस्ट उसको ब्रीफ करता हूँ किसके चीज के बारे में हमने कल बात की है। उसके बाद में हम बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक के बारे में कि आज हम किस चीज के बारे में स्टडी करें। हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था HSAB। HSAB के बारे में हम कल बात कर रहे थे। HSAB का मतलब होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, मतलब कठोर मृदु अम्ल और क्षार। तो एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर दूं जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं आगे, आज हम किस किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि हमको इसमें क्या क्या कुछ पढ़ना है। अम्ल क्षारों की कठोरता मृदुता के रूप में वर्गीकरण है, जैसे भी अवधारणा अम्ल क्षार की सामर्थ्य है, कठोरता मृदुता, सिम्बायोसिस कठोरता मृदुता का सैद्धांतिक आधार, इन सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था कि प्रबल क्षार वह होता है जो दुर्बल क्षार को उसके यौगिकों में से विस्थापित करते हैं, अर्थात ये प्रबल क्षार है, ये दुर्बल क्षार है, इसने इसको यहां से विस्थापित करके और खुद इसकी जगह पर आ गया। यदि जलीय विलयन लिया जाता है, मतलब एक्वस अम्ल सॉल्यूशन लेते हैं, तो हाइड्रोजन आयनों को संदर्भ अम्ल के रूप में रखेंगे, तो अमोनिया में से क्या हुआ, इस अमोनिया ने यहां से इस F को बाहर निकाल दिया और खुद इसकी जगह पर आ गया, अर्थात अमोनिया F की तुलना में कुछ ज्यादा प्रबल क्षार होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो संकुल यौगिक हैं उनका निर्माण होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उनका निर्माण होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, जिनमें से एक को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक पाया जाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं, और दूसरा उसमें पाया जाता है लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो होता है वो किसके तरीके से काम कर रहा है, ये काम करता है अम्ल की तरह से, ये किसकी तरह से काम करता है अम्ल की तरह से, और इसके साथ में एक और पदार्थ पाया जाता है, एक और इसके साथ में ग्रुप इन्वॉल्व रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं लिगैंड, और लिगैंड किसके तरीके से काम करता है, क्षार की तरह से काम करता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार मतलब एक धातु और लिगैंड आपस में मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर किसी बड़े कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना हो तो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है, और प्रत्येक कॉम्प्लेक्स के निर्माण में जिस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आता है, जो स्थिरांक आता है, उसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक, स्थायित्व स्थिरांक, स्टेबिलिटी कांस्टेंट वगैरह ये सब कहते हैं। ठीक है, तो ये है K1, ये है K2। ठीक है, K1 K2 क्या है, प्रथम और द्वितीय दोनों इसके अंदर चरण है। कुल अभिक्रिया इस प्रकार से होगी और समग्र स्थायित्व स्थिरांक, जिसको हम समग्र निर्माण स्थिरांक भी कहते हैं, उसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और वो सभी प्रकार के जो हमारे स्थिरांक हैं उन स्थिरांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो कल हमने इसके बारे में, इसके बाद नेक्स्ट जो हमने बात की थी वो बात की थी, देखिए नेक्स्ट जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी कि हमारे पास में कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे ऑरलैंड है, चेट है, डेवी है, इन सभी ने 1958 में मेटल आयन को दो वर्गों के अंदर बांट दिया, वर्ग ए और वर्ग बी। वर्ग ए के अंदर वो सभी धातु आयन आते हैं जिनका आकार छोटा होता है, जिनका घनत्व कम होता है, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है, मतलब जो ज्यादा सक्रिय होते हैं। वर्ग बी के अंदर वो सभी आते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे टाइटेनियम Fe+3 CO+3 क्षारीय धातु आयन, क्षारीय मृदा धातु आयन, ये सारे वर्ग ए के। वर्ग बी के अंदर वो धातु आयन आते हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है, जिनका आकार बड़ा होता है, जिनका घनत्व अधिक होता है, ये सब इसके अंदर आते हैं, और जिनके कक्षक जो है बाह्यतम जो कक्षक होते हैं वो आसानी से डिसॉर्टेड हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। इसके अलावा अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसमें भारी संक्रमण धातुएं आएंगी, जैसे कॉपर आ गया, Ag+Hg+2, प्लेटिनम, प्लेडियम, ये सभी के सभी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात, ये है वर्ग ए और वर्ग बी के अलग अलग प्रकार के धातु।
इसी के आधार पर ऑरलैंड चेट्टी और डेविस ने लिगेंड को भी वर्गीकृत किया, लिगेंड को भी बांटा और लिगेंड को भी दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप था वर्ग ए और दूसरा ग्रुप था वर्ग बी। वर्ग ए का मतलब है इस प्रकार के लिगेंड जो वर्ग ए के धातुओं के साथ संकुलन करने को प्रायिकता देते हैं उन्हें हम वर्ग ए के लिगेंड कहते हैं, और वर्ग बी के लिगेंड वह लिगेंड है जो वर्ग बी की धातुओं के साथ संकुलन करने को प्रायिकता देते हैं। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के लिगेंड थे। जैसे अगर अपने वर्ग ए के लिगेंड के बारे में बात करें तो उसमें अमोनिया है, एल्किल नाइट्राइट है, H2O है, F- है, ये सारे के सारे, और इनका इस प्रकार से यहां पर क्रम बताया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्ग बी के लिगेंड्स के बारे में तो इसके अंदर फॉस्फिन आएगी, सल्फाइड्स आएगी, इसके अलावा जो क्रम होगा ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब इसका क्रम जो है ये बदल जाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में अभी तक हमने बात की है, मैंने हल्का सा आपको ब्रीफ किया है कि किस किस चीज के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं अम्ल और क्षार का कठोर और मृदु के रूप में वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, किस क्षार को कठोर क्षार कहा जाएगा, किस अम्ल को कठोर अम्ल कहा जाएगा और क्यों कहा जाएगा, इन सब के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो देखिए देखिए यहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो वर्ग ए है, वर्ग ए, वर्ग ए की धातु, वर्ग ए की धातु किसके साथ जुड़ने को प्रायिकता देती है, वो जुड़ती है वर्ग ए के लिगेंड के साथ में। वर्ग ए की धातु वर्ग ए के लिगेंड के साथ में जुड़ने को प्रायिकता देती है। और उसी प्रकार से वर्ग बी जो है, वर्ग बी की धातु जो है, वर्ग बी की धातु किसके साथ में जुड़ने को प्रायिकता देती है, वर्ग बी के लिगेंड के साथ में जुड़ने को प्रायिकता देती है, वर्ग बी के लिगेंड के साथ में जुड़ने को प्रायिकता देती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक आगे वर्गीकरण किया गया। अब इन्हीं का वर्गीकरण जो आगे किया गया वो किसके आधार पर किस प्रकार से कर दिया गया, वो वर्गीकरण किया गया कठोर और मृदु के आधार पर, कठोर और मृदु के आधार पर। कठोर का मतलब होता है हार्ड और मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो धातुएं हैं, ये धातुएं ये किसकी तरह व्यवहार करती हैं, ये व्यवहार करती हैं अम्ल की तरह। तो वर्ग ए की धातुओं को क्या कहा गया, कठोर अम्ल कहा गया। क्या कहा गया, कठोर अम्ल। और वर्ग ए के लिगेंड को क्या कहा गया, इनको कहा गया कठोर क्षार। ठीक है, वर्ग ए के जो धातुएं हैं उनको कहा गया कठोर अम्ल, हार्ड एसिड, और वर्ग ए के जो लिगेंड हैं उनको कहा गया कठोर क्षार, हार्ड बेसिस। उसी के बाद में वर्ग बी के बारे में बात करते हैं। वर्ग बी की जो धातु है इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया मृदु, इसको कहा गया मृदु अम्ल। और वर्ग बी का जो लिगेंड है इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया मृदु क्षार। अर्थात अगर हम बात करें सामान्य तौर पर, तो इससे पहले आयरलैंड, डेविस और चट्टी इन्होंने जो वर्गीकरण किया था वर्ग ए और बी का, वर्ग ए और बी के धातुओं का, वर्ग ए और बी के लिगेंड्स का, उसी वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए वर्ग ए को मान लिया गया कठोर प्रकार के अम्ल उसकी धातुओं को, और उसके जो लिगेंड है उसको मान लिया गया कठोर प्रकार के क्षार। जबकि वर्ग बी की जो धातुएं हैं उनको मान लिया गया कठोर प्रकार, उनको मान लिया गया मृदु प्रकार के अम्ल, और वर्ग बी के जो लिगेंड हैं उनको मान लिया गया मृदु प्रकार के क्षार। तो अब इसी में हम बात करते हैं एक रिएक्शन के बारे में। अब एक रिएक्शन देखते हैं हम, इस रिएक्शन में देखिए, देखिए रिएक्शन है बी एच प्लस प्लस सी एच थ्री एच जी प्लस, इससे बनता है सी एच थ्री एच जी B
बी प्लस प्लस एच प्लस। अब देखिए यहां पर दो प्रकार के तो अम्ल हैं और दो प्रकार के क्षार हैं, ठीक है, दो प्रकार के तो अम्ल हैं और दो प्रकार के क्षार हैं, और कौन कौन से किस प्रकार से हैं उसको हम देखते हैं। यदि ये अभिक्रिया इस तरफ जा रही है, हम ये कहें अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, उस तरफ जा रही है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ये जो बी होगा, ये बी, ये क्या होगा, कठोर क्षार होगा, कठोर क्षार होगा। रीजन, क्योंकि इस कठोर क्षार ने क्या किया है, इस कठोर क्षार ने यहां से मृदु अम्ल और कठोर अम्ल के बीच में प्रतिद्वंद्विता है, और एक क्षार बी और उसके आगे जो इसका जो आगे क्षार है उसके बीच में प्रतिद्वंद्विता है, ठीक है, इसके बीच में कंपटीशन है। ये कठोर क्षार है, कठोर क्षार इसलिए है क्योंकि यहां से किसके साथ में जुड़ गया, यहां सी एच थ्री एच जी बी प्लस के साथ में जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एच प्लस के बारे में। एच प्लस यहां पर क्या है, एच प्लस यहां पर क्या है, एच प्लस यहां पर है कठोर अम्ल, एच प्लस यहां पर है कठोर अम्ल। कठोर अम्ल इसलिए है क्योंकि इसने यहां पर जुड़ने के बजाय यहां से बाहर निकलना ज्यादा उचित समझा। तो इस प्रकार अगर सम्य इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अगर दाएं हाथ की तरफ जाता है, अगर दाएं हाथ की तरफ जाता है तो इस बी को, अगर ये इक्विलिब्रियम इस तरफ जाता है तो इस बी को क्या कहेंगे, इस बी को कहेंगे मृदु क्षार, इस बी को कहेंगे मृदु क्षार। और अगर ये वापस आता है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कठोर क्षार, ठीक है। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में बात करते हैं। यहां पर CH3HG+ और HS+ के बीच में प्रतिद्वंद्विता है, कठोर अम्ल के बीच में प्रतिद्वंद्विता है। ये एक मृदु प्रकार का अम्ल है और ये एक कठोर प्रकार का अम्ल है, इसी वजह से यहां पर बी जुड़ गया और H+ यहां से बाहर निकल गया। ये चीज में कठोर मृदु की थोड़ी सी अवधारणा। नेक्स्ट हम इसी को आगे समझते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारे पास एक कठोर क्षार है BH+ और एक मृदु अम्ल है ये। अब क्षार मृदु है, अम्ल कठोर है, अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में। देखिए अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है, अभिक्रिया जा रही है इस दिशा में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जो अभिक्रिया का साम्य जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि कठोर क्षार जब इसके साथ में अभिक्रिया करेगा, कठोर चीज कठोर के साथ में अभिक्रिया करती है। अगर ये कठोर क्षार होता तो ये कठोर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता, कठोर क्षार कठोर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके और यहां पर बी का फॉर्मेशन कर लेता, ठीक है, जबकि यहां पर मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ अभिक्रिया करके और इसका फॉर्मेशन कर लेता, तो अभिक्रिया इस तरफ जाएगी। इसको देखिए, यहां पर ये वाला क्षार, मतलब यही क्षार कठोर के रूप में भी काम कर सकता है, यही क्षार मृदु के रूप में भी काम कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस समय पर एक ही चीज कठोर के रूप में भी हो सकती है और मृदु के रूप में भी हो सकती है। वैसे यहां पर अलग अलग एग्जांपल भी करेंगे हम कि कुछ विशेष प्रकार के अम्ल होते हैं जो केवल कठोर होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के क्षार होते हैं जो केवल कठोर होते हैं, लेकिन यहां पर हम बीएच के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये रिएक्शन इस तरफ जाती है तो उस कंडीशन में ये कठोर क्षार होगा, अगर ये रिएक्शन इस तरफ जाती है तो उस कंडीशन में ये मृदु क्षार होगा, क्योंकि मृदु क्षार मृदु अम्ल के साथ मिलकर इसका निर्माण करता है, ठीक है। मृदु मृदु के बीच में अंतर्क्रिया ज्यादा प्रभावी होती है, तो ये वाला मृदु क्षार इसके साथ मिलकर इसका निर्माण कर लेगा, और मृदु कठोर के बीच में अंतर्क्रिया प्रभावी नहीं होती। तो यहां पर अगर हम ये मानते हैं कि ये कठोर है तो यहां से बाहर निकल के इसने कठोर क्षार का निर्माण कर, तो यहां पर हमने एक मैथिल मर्करी धनायन का प्रयोग किया है, क्योंकि एक प्रारूपिक प्रकार का अम्ल होता है, एक टिपिकल अम्ल है, प्रोटॉन की भांति एक संयोजी धनायन होता है, इस वजह से इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये तो था इसका कंसेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविकता में जिसने एचएसएबी की अवधारणा दी वो है पियर्सन। पियर्सन ने 1963 में कठोर मृदु अम्ल क्षार की अवधारणा दी। पियर्सन ने यह कहा कि वर्ग ए के समस्त सदस्य कठोर हैं और वर्ग बी के समस्त सदस्य क्या हैं, मृदु। जो हम पहले वर्गीकरण करके आए थे कि वर्ग ए की धातुएं कठोर अम्ल होती हैं, वर्ग ए के जो लिगेंड होते हैं वो कठोर क्षार होते हैं, वर्ग बी की जो धातुएं होती हैं वो मृदु अम्ल होती हैं, और वर्ग बी के जो लिगेंड होते हैं वो मृदु क्षार होते हैं। तो इस प्रकार से हम उसके बारे में बात करके आए थे। तो उसी को यहां पर इसने कहा है कि वर्ग ए का कोई भी सदस्य हो,
चाहे वो लिगेंड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मेटल हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कठोर कहलाएंगे। और वर्ग बी के समस्त सदस्य क्या कहलाएंगे? मृदु। अतः वर्ग ए के समस्त धातु आयन कठोर अम्ल तथा वर्ग ए के समस्त लिगेंड कठोर क्षार हैं, जबकि वर्ग बी के समस्त धातु आयन मृदु अम्ल होंगे और वर्ग बी के समस्त लिगेंड मृदु क्षार होंगे। एक सामान्य अम्ल क्षार अभिक्रिया को देखते हैं। ए प्लस क्या है? लुईस अम्ल है। लुईस की कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहां पर लुईस ने अम्ल क्षार का एक कंसेप्ट दिया जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। इसको लुईस की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहते हैं। और इस कंसेप्ट के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे क्षार कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अम्ल कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे क्षार कहते हैं। तो यहां पर हम वापस आते हैं। हमारे पास एक ए प्लस है, ये क्या है? लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, और एक लुईस क्षार है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन है, और दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक संकुल का निर्माण करेंगे। ठीक है। अब ए और बी के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है, ए और बी के बीच का ये वाला बॉन्ड है, ये कितने भी प्रकार का हो सकता है। ये आयनिक भी हो सकता है, ये ध्रुवीय भी हो सकता है, ये अध्रुवीय सहसंयोजक भी हो सकता है, पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, आयनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बंध की प्रकृति क्या है? इसको हम स्थायित्व स्थिरांक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जिसके लिए जितना ज्यादा स्थायित्व स्थिरांक आएगा उसके लिए वह बंध उतना ही ज्यादा कठोर होता जाएगा। सबसे ज्यादा स्थायित्व स्थिरांक आयनिक प्रकार के बंधों के लिए आता है। उसके बाद पियर्सन ने कठोर मृदु अम्ल क्षार की व्याख्या 1963 में किसके आधार पर की? इसके अनुसार मृदु क्षार वे हैं जिनके दाता परमाणु, अर्थात वे सभी मृदु क्षार हैं जिनके दाता परमाणु आसानी से ध्रुवित हो जाएं और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। मतलब जिनके दाता परमाणु ध्रुवित हो जाएं, पोलर हो जाएं, ध्रुवित हो जाएं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? कम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? कम हो। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तो वो सारे के सारे सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। अर्थात अब जो बेस होगा, बेस में एक डोनर एटम होगा, डोनर एटम को दाता परमाणु कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए NH3 का नाइट्रोजन एक डोनर एटम है, दाता परमाणु है, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो वही चीज यहां पर कही गई है कि इनके जो दाता परमाणु है वो ध्रुवित हो जाएंगे, मतलब ध्रुवण का मतलब है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रखने के बजाय इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखेंगे। अब देखिए, दाता परमाणु के नाभिक से उसके बाह्य इलेक्ट्रॉन, अब इसका मतलब क्या है कि जो दाता परमाणु है, मान लीजिए जो नाइट्रोजन है, इसके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से बाहर निकल कर जा सकते हैं, जिससे कि जो दाता परमाणु होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन अब्र है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या उसकी जो संरचना है वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, विपरीत प्रकार की संरचना हो जाएगी। ठीक है। मृदु अम्लों के विपरीत गुण जो होते हैं एकदम कठोर के होते हैं, उनके दाता परमाणु अपने बाह्य इलेक्ट्रॉन को कितना रोक पाते हैं। अतः कठोर अम्लों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जो कठोर अम्ल है, देखिए कठोर अम्ल, ये कठोर, ये मृदु क्षार था, ये मृदु अम्ल और क्षार की जो परिभाषा उसने बताई है, ये किसकी थी? हाँ जी, यहां पर हम कठोर अम्ल के बारे में बात करते हैं। कठोर अम्ल के दाता परमाणुओं में ध्रुवणता कम होती है, जबकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ध्रुवणता कम होगी, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींच लेंगे। ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट यहां पर है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। अम्लों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। अम्लों के वर्गीकरण में सबसे पहले हार्ड एसिड है। हार्ड एसिड का मतलब है ऐसे जिनका आकार छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण वो आसानी से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेंगे। लुईस की अवधारणा चल रही है यहाँ पर। लुईस ने यह कहा था जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या होता है? अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है वो क्या होता है? क्षार। तो यहाँ पर जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उतना ही ज्यादा कठोर अम्ल होगा। अम्ल के बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
इसके अलावा बेरिलियम के एग्जांपल हैं, उसके अलावा जो संक्रमण धातुएं हैं उसके एग्जांपल दे रखे हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि किन्हीं दो बॉर्डर लाइन वाले एसिड्स के नाम लिखिए, किन्हीं दो सॉफ्ट एसिड्स के नाम लिखिए, किन्हीं दो हार्ड एसिड्स के नाम लिखिए। तो आपको सभी के सभी सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड, इसके अलावा बॉर्डर लाइन के जो एसिड्स हैं उन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसको आप ध्यान से एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से सॉफ्ट हार्ड एसिड होते हैं और कौन कौन से बॉर्डर लाइन वाले एसिड होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसी के अंदर, आगे भी यही है, यहां पर भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहां पर भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये सब के सब हार्ड है, ये बॉर्डर लाइन है, और ये सारे के सारे क्या है, मृदु सभी। अब क्षारकों का वर्गीकरण भी किया जाएगा, क्षारक या जो बेसिस है उसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो इसको आप बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन से किस प्रकार से। हाँ जी, नेक्स्ट हम कठोर अम्ल के बारे में हम बात कर चुके हैं। कठोर अम्ल के बारे में हमने ये बात की कि जो कठोर अम्ल है, कठोर अम्ल इस प्रकार के अम्ल होते हैं जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बहुत ज्यादा होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को रखते हैं और उनका आकार छोटा होता है। जब हम बात करते हैं मृदु अम्ल के बारे में, तो मृदु अम्ल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। मृदु अम्ल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे? मृदु अम्ल वे पदार्थ हैं या सॉफ्ट एसिड वे पदार्थ हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु तो है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग परमाणु तो है, क्योंकि अम्ल की एक आवश्यक शर्त होती है, अम्ल की एक आवश्यक शर्त होती है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन की को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, यह अम्ल की एक आवश्यक शर्त होती है। ठीक है, मृदु अम्ल वे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु है और जिनका आकार बड़ा है। अब जो मृदु अम्ल होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इनका आकार बड़ा होने के कारण, आकार इनका ज्यादा है, आकार बड़ा होने के कारण इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो पावर होती है उतनी ही कम हो जाती है। देखिए, कम धनावेश है और जिनके पास संयोजकता कोष में, संयोजकता कोष का मतलब होता है वैलेंसी शेल, वैलेंसी शेल में पी अथवा डी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात उनकी ध्रुवणता उच्च होती है, कम विद्युत ऋणात्मकता होती है और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा नहीं है। तो जब हम मृदु अम्ल के बारे में बात करते हैं तो मृदु अम्ल के अंदर सबसे पहली बात क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु आवश्यक रूप से उसके अंदर होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, धनावेश उसके ऊपर कम होना चाहिए, संयोजकता कोष में अबंधी मतलब जो नॉन बॉन्डिंग पी और डी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कठोर अम्ल का, वे जिनका ग्राही परमाणु आकार में छोटा होता है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला होता है, कम ध्रुवणता वाला होता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास इनका, लगभग उत्कृष्ट गैस विन्यास इनका पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, कठोर अम्ल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है ऐसे Na+, इसका एग्जांपल देखिए कठोर अम्ल का Na+ है। अब Na+ का आकार छोटा है, मैं कठोर अम्ल का एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं जिससे कि आप सारी की सारी चीजें बड़े आसानी से समझ जाएं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कठोर अम्ल में किसकी, Na+ की। ठीक है, Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, हीलियम में। तो इसका मतलब इसका विन्यास कौन सा है, उत्कृष्ट गैस का विन्यास है, उत्कृष्ट गैस का विन्यास है, धनावेश इसके ऊपर है। अब धनावेश इसके ऊपर है, आकार इसका है छोटा, आकार छोटा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, कठोर अम्ल वे हैं जिनका ग्राही परमाणु आकार में छोटा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता,
कम दृढ़ता और उत्कृष्ट गैस प्रकार का विन्यास होता है। मृदु अम्ल ऐसे क्षारों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं जो उच्च दृढ़ता वाले हों और अच्छे अपचायक हों। कठोर अम्ल वे होते हैं जो ऐसे क्षारों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं जो प्रोटॉन के साथ भी बंधन बना सकते हों। तो ये दोनों चीजें हैं, जो मृदु अम्ल होंगे वो ऐसे क्षारों के साथ बनाएंगे जिनकी ध्रुवता ज्यादा होगी, और जो कठोर अम्ल होंगे वो उनके साथ कठोर जो क्षार होंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे जो कि स्थायी प्रकार के संकुलों का निर्माण कर सकें। तो यहाँ पर हम क्षारकों के वर्गीकरण के बारे में भी बात करते हैं कि कौन कौन से क्षार जो है वो किस किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कुछ कठोर क्षार दे रखे हैं, इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। ये सभी के सभी लुईस क्षार हैं और सभी के सभी कठोर प्रकार के क्षार होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते ही करते हैं। उसके बाद कुछ बॉर्डरलाइन वाले होते हैं और कुछ मृदु होते हैं। इनके पास देखिए एच लगभग किस में होता है, एच प्लस के रूप में, लेकिन यहाँ पर एच माइनस के रूप में। R अधिकतर अवस्था में R प्लस के रूप में होता है, मतलब कार्बोकेटायन के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर एनायन के रूप में CN। अब CN को क्षारक के रूप में प्रदर्शित कर रखा है और क्षार का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, लेकिन हम ये जानते हैं कि CN की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा होती है। तो CN वगैरह जो है ये सारे के सारे मृदु क्षारक के अंदर आते हैं, CO की लगभग उदासीन प्रकार की टेंडेंसी होती है, तो वही हम इसके साथ बात करते हैं। आवर्त सारणी में एक वर्ग में दाता परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ साथ क्षारकों की मृदुता बढ़ती जाती है। अतः अब देखिए, अगर हम बात करें किसी पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं, किसी के बारे में बात कर लेंगे F माइनस, उसके बाद में एफ सी एल माइनस, उसके बाद में बी आर माइनस और उसके बाद में आई माइनस। ठीक है, अगर हम F माइनस के बारे में बात करें तो ये तो क्या होगा, कठोर होगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, उच्च होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता वगैरह। और ये क्या होगा, ये होगा मृदु, दोनों बेस है, दोनों क्या है, बेस है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, एक मृदु है और एक क्या है, कठोर है। ठीक है, इसका रीजन है आकार में वृद्धि, आकार में वृद्धि। हमने ये भी पढ़ा था जैसे जैसे आकार में वृद्धि होती है वैसे वैसे बी में चले जाएंगे वो, बी ग्रुप में, तो उस तरीके से ये सारे के सारे यहां पर पाए जाते हैं। कठोर क्षार का आई सबसे अधिक मृदु क्षार का है, जबकि बी आर जो है इन दोनों के बीच में, आई और एफ के बीच में बी आर है, तो ये बॉर्डर लाइन वाला होता है। ठीक है, कठोर क्षारकों का ऑक्सीकरण कठिनाई से होता है, ऑक्सीकरण, जबकि मृदु क्षारक आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, देखो ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अर्थात ऑक्सीकरण अंक में अगर धनात्मक वृद्धि होती है, कम्युलेटिव टाइप से वृद्धि होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना एक प्रकार से क्या है, ऑक्सीडेशन है। जो कठोर होगा, जो कठोर है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेगा, आसानी से नहीं निकाल सकता, मतलब ये तो निकालते हैं, अगर हम F के बारे में बात करें इसकी विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी ज्यादा है, तो इस वजह से इसका ऑक्सीकरण कठिनाई से होगा, जबकि मृदु क्षार जो है वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब इस कठोरता अवधारणा को A और B के स्थायित्व पर लागू करते हैं, तो देखिए A यहां पर मृदु अम्ल है, अगर वो मृदु क्षार के साथ में काम करके, जो अम्ल किसी दूसरे क्षार के साथ में काम करके स्थायी संकुल बनाता है, तो उसका स्वभाव ऐसे ही हो जाता है। जैसे A यहां पर मृदु अम्ल है क्योंकि मृदु क्षारक के साथ इसने स्थायी संकुल का निर्माण कर लिया, उसी प्रकार से A यहां पर कठोर अम्ल भी हो सकता है क्योंकि ये कठोर क्षार के साथ में विक्रिया करके स्थायी संकुल का निर्माण कर सकता है। तो इसका मतलब A जो अम्ल है वो कठोर भी हो सकता है और जो मृदु भी हो सकता है। अगर वो कठोर क्षार के साथ में जुड़कर स्थायी संकुल का निर्माण करता है तो उसको हम कठोर अम्ल कह देंगे, और अगर वो मृदु क्षार के साथ जुड़कर स्थायी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है तो उसको हम मृदु कह देंगे। बाकी आप इसके एग्जाम्पल जो है इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और एक और चीज आपको बड़े ध्यान रखनी है कि ऊपर से नीचे जैसे आवर्त सारणी में जाते हैं तो क्षारकों की जो मृदुता होती है, सॉफ्टनेस ऑफ बेसिस जो होती है वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर अम्ल ए है और क्षारक बी में कोई एक तो मृदु और दूसरा कठोर हो तो ए बी का स्थायित्व कम होगा। देखो कंडीशन ये है कि हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्टेबल यौगिक बनेगा। अगर हार्ड एसिड हो गया और सॉफ्ट बेस हो गया तो इससे भी अस्थायी अनस्टेबल बनेगा। अगर ये कंडीशन आ जाए
सॉफ्ट एसिड आ गए, हार्ड बेस आ गए, तो इससे भी क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। और अगर दोनों ही सॉफ्ट आ गए, जैसे सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट बेस है, तो इससे क्या बनेगा, इससे स्टेबल बनेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें स्थाई प्रकार के संकुल का निर्माण करना है, तो स्थाई प्रकार के संकुल का निर्माण करने के लिए दोनों एक जैसे होने चाहिए, या तो दोनों ही कठोर हों या तो दोनों ही मृदु हों। अगर एक कठोर और एक मृदु होता है, तो उस कंडीशन में वो स्थाई प्रकार के संकुल का निर्माण नहीं कर पाता। जैसे यहां पर देखिए, कठोर अम्ल ए है, मृदु क्षार बी के साथ में अस्थाई संकुल ए का निर्माण करेगा। मृदु अम्ल ए है, कठोर क्षार बी के साथ में अस्थाई संकुल का निर्माण करेगा। अब इस सिद्धांत के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस सिद्धांत के आधार पर हम किसी भी यौगिक के स्थायित्व के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा यौगिक ज्यादा स्थायी होगा और कौन सा यौगिक कम स्थायी होगा। अब आज हमने जो पढ़ा है, आज हमने पियर्सन का एचएसएबी सिद्धांत पढ़ा है, जिसमें विद्युत ऋणात्मकता वगैरह के बारे में बात की गई है। और उसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, वो है अलग अलग प्रकार के एसिड बेस। ठीक है, तो कौन कौन से एसिड बेस कठोर हैं, कौन कौन से दूसरे हैं, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं वापस इसके बारे में बता देता हूं। अम्लों का वर्गीकरण तीन प्रकार के अम्ल हैं, कठोर प्रकार के अम्ल हैं, सीमा रेखा वाले अम्ल हैं, मृदु हैं, मतलब हार्ड प्रकार के एसिड हैं। इसमें सभी का एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, जैसे यहाँ पर इसके दो तीन एग्जाम्पल, यहाँ पर इसके, ये सभी के एग्जाम्पल जो है ये आपको लर्न करने हैं। इस एग्जाम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको ध्यान से पता होनी चाहिए, जिसमें अम्लों का वर्गीकरण है। तो ये अम्लों के वर्गीकरण की पूरी टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको रख सकते हैं या इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा ये इसके बाद के जो बाकी जो अम्ल है वो यहाँ पर है, जैसे क्विनोन है, टेट्रासाइमेथिलीन, क्लोरोनेट, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, कार्बीन वगैरह, धातु परमाणु, बल्क मेटल्स, बड़ी धातुएं होती हैं वो भी जो अम्ल के अंदर आती हैं, लेकिन ये सारे के सारे मृदु प्रकार के अम्ल होते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसको ध्यान से देख लेंगे, इनके जो एग्जांपल हैं इस एग्जांपल को आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए, कठोर के अंदर मैंने आपको बताया था कठोर अम्ल में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है। यहाँ पर देखिए AlCl3 दे रखा है, ये बड़ा AlCl3 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण ये जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसके बारे में आप यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद जो बेस है, तो थोड़े से बेस के बारे में भी आप बड़े ध्यान से इनको नोट डाउन करेंगे, कौन कौन सा बेस किस तरीके से आता है, कौन सा बेस कहाँ है। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे यहाँ पर वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जो उसकी कठोरता मृदुता दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। तो जो किसी भी जो क्षार है उसकी जो मृदुता है वो बढ़ती जाती है, और उसकी जो कठोरता होती है वो लगातार कम होती जाती है। तो आज हमने HSAB सिद्धांत के बारे में बात की, इससे पहले हमने संकुलों के स्थायित्व के बारे में बात की। HSAB सिद्धांत करता क्या है, HSAB सिद्धांत पूर्वानुमान लगाता है, मतलब अप्रोक्सीमेट हमको आइडिया देता है कि अगर कोई हार्ड और हार्ड से मिलकर बना है, सॉफ्ट और सॉफ्ट से मिलकर बना है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और कोई हार्ड और सॉफ्ट से, सॉफ्ट और हार्ड से मिलकर बना है, तो वो कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखनी है कि हार्ड हार्ड स्टेबल, सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेबल। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम पियर्सन के सिद्धांत से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, उसके अंदर हम बात करेंगे इनके स्थायित्व के बारे में, स्थायित्व और कठोरता मृदुता का क्या आपस में लिंक होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।